भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक जुलाई अगस्त के महीने तक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक मान रहे थे। भारत में आई दूसरी लहर में तबाही मचाने के बाद कोरोना का यह वेरिएंट कई अन्य देशों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। डेल्टा वेरिएंट से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर ही रहे थे कि पिछले दिनों सामने आए दो नए वेरिएंट ने वैज्ञानिकों को और गंभीर संकट में डाल दिया है। बीते दिनों कोरोना के दो नए वेरिएंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट C12 और म्यू वेरिएंट B1621 ने दुनिया के सामने बड़ी मुसीबत पेश की है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह दोनों वेरिएंट सबसे संक्रामक माने जा रहे हैं, साथ में डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक घातक हो सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट म्यू पर चिंता जताते हुए कहा है, यह कई म्यूटेशन का जोड़ है, इस पर टीका बेअसर हो सकता है। यह वेरिएंट जनवरी 2021 में पहली बार कोलंबिया में मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम B1621 है। WHO इस पर नजर बनाए हुए है। वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हैं जो वैक्सीन के असर को कम करते हैं। इस संबंध में और स्टडी करने की जरूरत है। म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जो इम्यून एस्केप की आशंका बताते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब है कि यह वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। WHO ने जनवरी में कोलंबिया में मिले B1621 वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया है। साथ ही इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल WHO ने ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर यह भी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच म्यू वेरिएंट की वैश्विक स्तर पर इसके संक्रमण की रफ्तार उतनी नहीं है। हालांकि कोलंबिया में 39% और इक्वाडोर में 13% इसके प्रसार बढ़े हैं। अन्य देशों में भी इक्का दुक्का मामले सामने आए हैं। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में गंभीर असर देखने को मिला है। ब्रिटेन, अमेरिका, हांगकांग में भी म्यू के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि म्यू वेरिएंट अब तक भारत में नहीं मिला है। भारत में वायरस के 232 से अधिक म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने म्यू वेरिएंट को गंभीर बताया है। इस साल मार्च के बाद से म्यू पांचवां ऐसा वेरिएंट है जिसे WHO की निगरानी सूची में डाला गया है। 39 देशों में इसका पता चलने के बाद 30 अगस्त को इसे WHO की निगरानी सूची में रखा गया है। इनमें अल्फा और डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी रहे हैं। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन अच्छी और राहत की बात यह है कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। इसके बावजूद भी दुनिया में मिल रहे नए वेरिएंट को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि क्या यह खतरनाक है, क्या इन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है, क्या भारत में ये तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों दो नए वेरिएंट म्यू और C12 दोनों ही वेरिएंट वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएंट के सामने वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही वेरिएंट ने ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई है कि वे वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। WHO का कहना है कि वायरस इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप का शुरुआती डेटा बताता है कि म्यू वेरिएंट कुछ बीटा वेरिएंट जैसा ही है। वैक्सीन कितना इफेक्टिव है यह देखने के लिए और स्टडी करने की जरूरत है। हालांकि अब तक तो यह साबित हो चुका है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिव है। बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और इस बीच देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले लगातार 5 दिन में 40,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,603 नए मामले सामने आए हैं और 309 लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,00,000 से ज्यादा है। तो वहीं वैक्सीनेशन की कुल संख्या 67,72,11,000 से ज्यादा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।